दो से अधिक सवारियां ऑटो रिक्शा में बिठाने पर कालका प्रशासन ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, कहा कालका पिंजौर ऑटो ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने। कालका और पिंजौर शहर में इन दिनों ऑटो चालक ऑटो में दो से अधिक सवारियां बिठा रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंस की भी सरेआम उल्लंघना हो रही है। हालांकि कालका प्रशासन ने एक ऑटो रिक्शा में दो सवारियां बिठाने पर सहमति हुई थी, लेकिन बावजूद उसके ऑटो चालक में दो से अधिक सवारियां बिठाकर सोशल डिस्टेंस की सरेआम उल्लंघना की जा रही है। इस पर एसोसिएशन के प्रधान विजय कुमार सैनी गिन्नी ने कालका प्रशासन से उल्लंघना करने वाले ऑटो चालकों के चालान काटने के लिए साफ कह दिया है। इन दिनों पिंजौर शहर में 50 जबकि कालका शहर में भी 50 और 50-50 के हिसाब से ऑटो रिक्शा चलाए जा रहे हैं ताकि सड़क पर भीड़ ना रहे, और ऑटो रिक्शा चालकों को टोकन इशू किए जा रहे हैं, उसी के लिए ऑटो रिक्शा चालक लाइनों में खड़े अपने अपने टोकन ले रहे हैं। कई ऑटो चालक सवारी ज्यादा बैठाने से नहीं बाज आते, प्रशासन से अनुरोध है कि इन पे थोड़ी सी सख्ती जारी की जाए। तो कितनी सवारी बैठाते हैं? दो सवारी सभी के साथ, दो ही सवारी कालका से पंचकुले तक दो सवारी में ही जाया करेंगे बस। तो जितने ये स्टैंड बनाए हुए इनको अलग अलग पास दिए जा रहे अलग अलग जगह? आज जैसे स्टेशन है, स्टेशन पे 7-8 गाड़ी, खेड़ा सीताराम है 5 गाड़ियां, पंजौर स्टैंड से 20 गाड़ियां, अब धीरे धीरे इनको स्टैंडों को कन्वर्ट किया जाएगा। जो नहीं मान रहे इनके लिए क्या? इनकी तरफ से प्रशासन सख्ती करे, नहीं तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं निकलता। इनको खुले ही बांट दिया जाए या खुला चला दिया जाए।